क्या बिहार के मुख्यमंत्री डर गए हैं क्या, जो अपने विधायकों और सांसदों जिस तरीके से अपने सांसद विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये उनके डर को ही दर्शाता है। और डर होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं हो। जिस तरीके से एक असंतोष उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों के बीच में है, और असंतोष का कारण भी है भाई, कारण ये है कि जो उनके विधायक या जो उनके सांसद हैं, वो 2019 और 2020 का चुनाव किसके सामने जीत के आए हैं भाई? उस वक्त के महागठबंधन के सामने जीत के आए ना, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे। आज उनके विधायक 2020 का चुनाव उस वक्त की महागठबंधन के सामने जीत के आए हैं, उनके प्रत्याशियों के सामने जीत के आए हैं। उनके सांसद 2019 का चुनाव जो जीते हैं, वो उस वक्त की महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने जीते हैं। पर आज जब दोनों दल एक हैं और एक ही लोकसभा की सीट, एक ही विधानसभा की सीट पे कई दावेदार और मौजूद हैं, तो यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। परिणाम स्वरूप कई और दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में भाई, और आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि कौन कौन से विधायक, कौन कौन से सांसद हमारे संपर्क में हैं, और कई और दलों के भी संपर्क में हैं। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। ललन सिंह कह रहे हैं बीजेपी तोड़जोड़ की पार्टी कर रही है, बात करते हैं। बताइए कौन बोल रहा है ये? हाँ, खुद आप क्या करते रहे? हाँ, हम लोगों की पार्टी 2005 में तोड़ने के जिम्मेदार कौन थे? ये लोग नहीं थे? हाँ, आज भी अगर हम लोग की पार्टी को तोड़ा गया है, तो उसमें अग्रणी भूमिका किसने निभाई है? इन लोगों ने नहीं निभाई है। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपको अपनी पार्टी के टूटने का डर लग रहा है, जो दूसरों की पार्टी को अभी तक तोड़ते आए हैं, और किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भाई दूसरे दल पार्टी तोड़ने का काम करते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितनी पार्टियां तोड़ी और जितने नेताओं को अपमानित करने का और उनको धोखा देने का काम किया, शायद ही किसी दूसरे दल ने कभी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप लोग? कौन? जेडीयू कह रही है। सपना कौन देख रहा है, ये नींद खुलने पर जेडीयू के नेताओं को पता चलेगा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री डर गए हैं क्या, जो अपने विधायकों और सांसदों जिस तरीके से अपने सांसद विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये उनके डर को ही दर्शाता है। और डर होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं हो। जिस तरीके से एक असंतोष उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों के बीच में है, और असंतोष का कारण भी है भाई, कारण ये है कि जो उनके विधायक या जो उनके सांसद हैं, वो 2019 और 2020 का चुनाव किसके सामने जीत के आए हैं भाई? उस वक्त के महागठबंधन के सामने जीत के आए ना, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे। आज उनके विधायक 2020 का चुनाव उस वक्त की महागठबंधन के सामने जीत के आए हैं, उनके प्रत्याशियों के सामने जीत के आए हैं। उनके सांसद 2019 का चुनाव जो जीते हैं, वो उस वक्त की महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने जीते हैं। पर आज जब दोनों दल एक हैं और एक ही लोकसभा की सीट, एक ही विधानसभा की सीट पे कई दावेदार और मौजूद हैं, तो यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। परिणाम स्वरूप कई और दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में भाई, और आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि कौन कौन से विधायक, कौन कौन से सांसद हमारे संपर्क में हैं, और कई और दलों के भी संपर्क में हैं। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। ललन सिंह कह रहे हैं बीजेपी तोड़जोड़ की पार्टी कर रही है, बात करते हैं। बताइए कौन बोल रहा है ये? हाँ, खुद आप क्या करते रहे? हाँ, हम लोगों की पार्टी 2005 में तोड़ने के जिम्मेदार कौन थे? ये लोग नहीं थे? हाँ, आज भी अगर हम लोग की पार्टी को तोड़ा गया है, तो उसमें अग्रणी भूमिका किसने निभाई है? इन लोगों ने नहीं निभाई है। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपको अपनी पार्टी के टूटने का डर लग रहा है, जो दूसरों की पार्टी को अभी तक तोड़ते आए हैं, और किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भाई दूसरे दल पार्टी तोड़ने का काम करते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितनी पार्टियां तोड़ी और जितने नेताओं को अपमानित करने का और उनको धोखा देने का काम किया, शायद ही किसी दूसरे दल ने कभी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप लोग? कौन? जेडीयू कह रही है। सपना कौन देख रहा है, ये नींद खुलने पर जेडीयू के नेताओं को पता चलेगा।